try to move ahead with a circular, like we try to understand what is motion. I explained you that motion is a relative concept. Like आप कहाँ से देख रहे हो वो define करता है कि object का motion हो रहा है या नहीं हो रहा है. Like for example, मैंने आपको एक bus में एक person बैठा है और एक person बाहर बैठा है, इसका example दिया था. So motion is basically अगर surrounding के respect में किसी object का position change हो रहा है तो हम scientifically बोलते हैं motion हो रहा है. रियल में क्या हो रहा है दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम. द थिंग इज अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजिशन चेंज होता हुआ दिख रहा है, मैं जहां से देख रही हूँ, तो फॉर मी दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. इज इट क्लियर विद दिस एवरीवन? यस मैम. यस. देन हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोशंस पढ़े थे, जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन दैट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन. फिर हमने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा, दैट इज एग्जाम्पल आई गेव इज रिवोल्यूशन. फिर हमने रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ा, एग्जांपल आई गेव इज रोटेशन ऑफ द अर्थ. एंड देन वी वेंट अहेड विद द लास्ट टाइप दैट इज ऑसिलेशन, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन, व्हिच इज योर पेंडुलम. पेंडुलम, ओके. व्हिच इज द एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज अ पेंडुलम. सो आफ्टर दैट आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू दैट हाउ कैन यू स्टडी द वर्ल्ड ऑफ सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन. लाइक जैसे आपका लीनियर मोशन में आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो, वेलोसिटी पढ़ते हो और एक्सेलरेशन पढ़ते हो, सेम उसी तरीके से हम सर्कुलर मोशन में भी ये सारी चीजें डिफाइन करते हैं. और जो जो चीजें हम लीनियर मोशन के वर्ल्ड में, लीनियर मोशन के कॉन्सेप्ट्स में पढ़ते हैं, वो सारी चीजें हमको सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स में भी पढ़ना होता है, बट इन द टर्म्स ऑफ एंगल, लाइक एंगुलर टर्म यूज करके हमको आगे बढ़ना होता है. Are you clear what I'm trying to say? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes. So first we tried to understand the first concept I started with was your angular displacement. जो सबसे पहली चीज मैंने पढ़ाना start किया जब हम circular motion को समझ रहे हैं, तो what's the angular displacement? That is the angle covered. Like अगर आप एक circular motion की बात कर रहे हो तो आपका ये जो रेडियस वेक्टर होता है, ये रेडियस वेक्टर जो कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताता है, वो एक टाइम के बाद कितना एंगल कवर कर रहा है. दिस थीटा रिप्रेजेंट्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इज इट ओके? यस मैम. नाउ लाइक दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी. आई सेड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज व्हाट आई कैन से इज योर थीटा. हाँ, सो यू कैन, यू हैव अ फॉर्मूला. I said, let's say this as S, this is R. So your theta is basically arc, S that is S. S by R. यहाँ तक सबको clear है? See, बच्चों, yes. Actually, I'm teaching 11th standard also. So अगर आपका 11th का कोई basic week भी है ना, तो that will not make you into some difficulty or in problem because I'm dealing with everything. बोलो. Is my voice breaking? अभी हो रहा है? नो मैम. नो मैम. ठीक है. सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि अगर आप लोग का 11th में कोई टॉपिक कवर नहीं हुआ है या कुछ रीजन है कवर नहीं होने के पीछे, सो यू डोंट हैव टू बी लाइक कि मेरे को नहीं समझेगा. आई विल कवर एवरीथिंग एंड देन आई विल गो अहेड. मैं बेसिक चीजें उठाऊंगी, समझाऊंगी और आगे बढ़ूंगी, सो दैट आपको कंसेप्चुअली ज्यादा प्रॉब्लम ना हो. ठीक है? ओके. सो दिस वॉज अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब देखो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो. मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रही हूँ इस चीजों को लेकर. याद है जब मैंने कहा था कि लाइक अगर मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकालना है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट, और इफ आई वांट थंब रूल, या राइट हैंड थंब रूल वी आर यूजिंग. ओके. सो बेसिकली क्या होता है पता है, लाइक जब आप लीनियर मोशन की बात करते हो, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो आप डायरेक्शंस को देखते हो और बोलते हो कि ठीक है ये लेफ्ट में जा रहा है या ये राइट में जा रहा है या ये अप जा रहा है या ये डाउन जा रहा है. यू जस्ट ऑब्जर्व द थिंग्स एंड यू गो अहेड. बट सर्कुलर मोशन में ना उन्होंने थोड़े कन्वेंशन किए हैं, और वो कन्वेंशन में उन्होंने राइट हैंड थंब रूल का यूज किया है. मतलब इट इज जस्ट एन कन्वेंशन टू अंडरस्टैंड द थिंग्स.
दैट्स ऑल. सो वहां पर वो कुछ ये सेम कन्वेंशन सारे एंगुलर वर्ड्स के लिए यूज होने वाला है. मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हम उसी तरीके से निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हम उसी तरीके से निकालेंगे, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी. सो जब मैंने इसी फॉर्म को, जब मैंने इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश की, लाइक एस इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है, जब मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश की तो आई गॉट एस इज इक्वल्स टू थीटा बार क्रॉस आर बार. डू यू रिमेम्बर दिस? यस यस. एंड कीप इट इन माइंड बच्चों की आर बार क्रॉस थीटा बार नहीं लिखना है, थीटा बार क्रॉस आर बार ही लिखना है. ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट में थीटा बार क्रॉस आर बार इज नॉट इक्वल टू आर बार क्रॉस थीटा बार, ऐसा नहीं होता है. यस. समझा? सो इफ इट इज थीटा बार क्रॉस आर बार, देन द आंसर इज थीटा बार क्रॉस आर बार ओनली. यू कैन नॉट गो फॉर आर बार क्रॉस थीटा बार, ये नहीं हो सकता. इट इज दिस टू थिंग्स आर नॉट इक्वल टू इच अदर, ये दोनों इक्वल नहीं है. सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड व्हाइल राइटिंग दैट इफ यू आर राइटिंग एस इज इक्वल्स टू, इफ यू आर राइटिंग द वेक्टर नोटेशन, you have to be very much careful that if it is theta bar cross r bar, you have to write theta bar cross r bar only. Are you understanding? समझ में आया मेरे क्या कहा? Yes, ma'am. ठीक है. फिर उसके बाद हमने कुछ directions के बारे में discussion किया, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी. So right hand thumb rule या फिर screw rule जो है, ये क्या बोलता है? इसको जरा सा वापस से समझते हैं. राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि लाइक आपका जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ठीक है, आपको पता करना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, और एक टाइम के बाद मेरा ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे पहुंच गया. पहले पॉइंट ए पे था, अब पॉइंट बी पे चला गया, उसने एक एंगल थीटा कवर किया. मुझे पता करना है कि मेरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, वॉट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो वॉट आई नीड टू सिंपली गो फॉर, मुझे क्या करना है, जिस डायरेक्शन में मेरा मोशन हो रहा है, लाइक यहाँ पर मैंने आपको बताया था वॉट इज क्लॉक वाइज एंड वॉट इज एंटी क्लॉक वाइज. क्लॉक का जो डायरेक्शन होता है, क्लॉक के हैंड का जो डायरेक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्लॉक का, ये 12 है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन 6, ठीक है. तो यहां से ही देखना है, इसी एंगल पे देखना है, ऐसे ही देखना है. तो यहाँ पर देखो, ये मेरा 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, दिस इज माई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है. अगर चीज उससे उल्टी चल रही है तो दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? यस यस. ओके. सो आपको सिंपली क्या करना है, लाइक आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जिस भी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, लाइक एंटी क्लॉकवाइज में कर रहा है या क्लॉकवाइज में कर रहा है, अगर वो जिस डायरेक्शन में मोशन, जिस भी डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है, आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो ये चार फिंगर्स है राइट हैंड का, सी राइट हैंड मीन्स राइट हैंड, यू हैव टू यूज राइट हैंड ओनली, बिकॉज ये साइंटिफिकली प्रूव्ड कन्वेंशंस है. लाइक अगर पहले, बहुत पहले अगर उन्होंने लेफ्ट हैंड यूज कर लिया होता ना अपनी थियोरी को समझाने के लिए, तो हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, बट उन्होंने सारी थियोरी जितनी भी बनाई है वो राइट हैंड लेकर बनाई है, इसलिए हम राइट हैंड यूज कर रहे हैं, और बेसिकली कोई मीनिंग नहीं है, और कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं है इसका. सो सिंपली व्हाट इज गोइंग ऑन, कि ये जो मेरे ये जो चार फिंगर्स हैं, मुझे क्या करना है, इन चार फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसमें कर्ल करना है. और ये जो मेरा थंब है ना बच्चों राइट हैंड का, इसका स्ट्रेच्ड डायरेक्शन बताएगा कि मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, देखो मेरा स्ट्रेच थंब बाहर की तरफ आ रहा है, कैन यू सी इट? यस, आउटवर्ड. यस, आउटवर्ड, दैट इज आउट ऑफ द प्लेन. और अगर वहीं पर अगर क्लॉकवाइज होती इनवर्ड्स, इनवर्ड की तरफ चली जाती. इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम. ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द प्रीवियस लेक्चर. यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, मैं आगे बढ़ूं? पक्का? यस मैम. यस मैम. यस, मैंने आपको दो क्वेश्चंस डाले थे आपके बुक में, आपके पीडीएफ में, कि मैंने कहा था कि अगर समझो आपका ये जो क्लॉक है, ठीक है, इस क्लॉक में दो मोशंस होते हैं, देयर आर टू मोशंस. एक होता है इसका टिप का मोशन और एक होता है पूरी बॉडी का मोशन, ठीक है. ये पूरी बॉडी इस एक्सिस के अक्रॉस गोल गोल घूमती है.
अब मैंने आपको पूछा था कि ये टिप का मोशन और ये जो बॉडी का मोशन है ये कौन सा टाइप का मोशन है, ये टिप का मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन। आपका टिप का मोशन है ना, ये सर्कुलर मोशन, और वहीं पर अगर आप पूरी बॉडी का देखते हो जिस एक्सिस पे वो लगा हुआ है, जिस एक्सिस पे उसको बाउंड किया है, इस एक्सिस के अक्रॉस वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो सिर्फ अगर टिप देखते हो तो टिप जो है वो किसी एक पॉइंट के अक्रॉस, टिप जो है हमारा वो किसी एक पॉइंट के अक्रॉस गोल गोल घूम रहा है। जैसे आपका जो प्लैनेट होता है वो सन के आजू बाजू एलिप्टिकल ऑर्बिट में गोल गोल घूमता है। सो इट इज अ रिवॉल्यूशन, इट इज अ सर्कुलर मोशन। बट वहीं पे अगर आप पूरी रिजिड बॉडी देखते हो, एक पूरा बॉडी देख रहे हो, तो ये पूरी बॉडी जो है ये इस पॉइंट के अक्रॉस ऐसे 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 गोल गोल घूम रही है। समझ में आ रहा है बड़े एमसी? यस। किसी को डाउट है कि ये मैम कैसे आया? पहले वाले का आंसर इज सर्कुलर मोशन एंड दूसरे वाले का आंसर इज रोटेशनल मोशन। किसी को डाउट है तो ये पूरी बॉडी जो है ये इससे अटैच होकर इसके आजू बाजू गोल गोल घूम रही है एक्सिस के अक्रॉस। यस मैम, समझा। और अगर मैं सिर्फ ये टिप देखती हूँ तो ये टिप किसी एक्सिस से कनेक्टेड नहीं है, ये टिप डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये टिप जो है इस एक्सिस के क्रॉस एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। बट अगर पूरी बॉडी ली जाए तो पूरी बॉडी इस एक्सिस के क्रॉस गोल गोल घूम रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम, यस मैम, यस मैम। पूरा बॉडी थोड़ी करेगा, बोलो। ये पॉइंट रोटेशन करेगा ना? हाँ, ये पॉइंट रोटेशन, ये वाला। मैं फिलहाल सिर्फ इसके रोटेशन को देख रही हूँ। अगर मैं सिर्फ इसके रोटेशन को देखूँ तो व्हाट आई एम सीइंग दैट इट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। बट अगर मैं पूरी बॉडी को लूँ तो पूरी बॉडी जो है वो इस एक्सिस के अक्रॉस गोल गोल घूम रही है ना। सो जब आप पूरी बॉडी को या लाइक देखो सिंपल सा फंडा है, ये मेरी पूरी बॉडी है, ये मेरा एक्सिस है, ये पूरी बॉडी जो है ये इस एक्सिस के अक्रॉस गोल गोल घूम रही है। समझ में आ रहा है? बट अगर मैं किसी एक पॉइंट की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट वन पॉइंट, तो वो पॉइंट जो है वो एक एक्सिस के क्रॉस सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। समझ में आया? यस। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द होल बॉडी, इट इज लीडिंग टू अ रोटेशनल मोशन, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पॉइंट समवेयर इट इज गिविंग मी अ सर्कुलर मोशन। सो समवेयर दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। समझ में आया? जब मैंने पूरी बॉडी लेकर बात की तो इट इज अ रोटेशनल मोशन, दैट इज revolving that is rotating along a imaginary axis which is passing from this particular point. But agar main if I only talk about the tip what will happen if I only talk about circular this motion. Tip, so circular motion man, so this tip is performing a circular motion. Samajh mein aaya? Sirf ye tip dekha to ye pura section chhod do, sirf tip ko dekho, और पूरी बॉडी बोला है तो आप पूरी बॉडी को कनेक्ट करके देखो। समझ में आया? और इसे ठीक है। सो नाउ वी विल गो अहेड विद अ न्यू टॉपिक दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। जैसे आपके लिए वेलोसिटी होती है वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। वेलोसिटी क्या होता है? व्हाट इज वेलोसिटी? Displacement upon time. Covered per unit time. Change in displacement upon time. Yes. So वैसे ही angular velocity is change in angular displacement upon time, theta by t. Yes. That is displacement, angular displacement upon time. Is everyone clear with this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So angular velocity is basically rate of change of angular displacement. जैसे वहां पर यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज हाउ योर एंगल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट गिव्स यू ओमेगा। ऑफकोर्स फटाफट चेंजेस हो रहा है तो ओमेगा विल बी हाई, धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है, एंगल फटाफट चेंज हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी हाई होगी। अगर एंगल धीरे धीरे चेंज हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। कम होगी। समझ में आ रहा है? यस यस। सबको क्लियर हुआ? यस
या ये सिर्फ चार पांच बच्चों को क्लियर हो गया? जो लोग 11th में नहीं है उनको क्लियर हो रहा है? क्या हुआ? बेटा अभी मैंने देख थीटा 2 पाई कब आएगा? व्हेन आई विल से वन रिवॉल्यूशन हो गया. यस आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस. मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं, मैं एक जनरल कंडीशन बोल रही हूँ कि चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे डिस्प्लेस नॉर्मल वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? सो यहाँ पर आई एम सिंपली सेइंग कि एंगुलर वेलोसिटी इज थीटा अपॉन, मैं जनरल कंडीशन के साथ जा रही हूँ फिलहाल. 2 पाई कब? जब 1 रिवॉल्यूशन हो जाए, जब हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ेंगे तब मैं वो डिस्कस करूंगी. अभी फिलहाल ये समझो. आर यू क्लियर विद दिस मच? यस मैम. यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम. नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस, ये वर्ड आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए कि व्हेन आई एम सेइंग इंस्टेंटेनियस मतलब मैं इंस्टेंट की बात कर रही हूं. यहां पर मेरा डेल्टा टी क्या हो जाएगा? माय डेल्टा टी विल बी टेंडिंग टू 0. टेंडिंग टू 0 मतलब डेल्टा टी का वैल्यू जो टाइम के लिए, जिस टाइम के लिए मैं देखने वाली हूँ, वो टाइम इंटरवल मेरा बहुत छोटा है. पर बहुत छोटा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीरो है. इट इज टेंडिंग टू 0. इट इज नॉट इक्वल टू 0 बट इट इज वेरी वेरी स्मॉल. सो व्हेन आई टॉक इन द टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस, ओमेगा बार कैन बी रिटन एज ओमेगा इज इक्वल्स टू लिमिट. ये लिमिट जो ये जो एल आई एम लगाते हैं, दैट इज लिमिट. ठीक है, ये बताता है कि मेरा डेल्टा टी का क्या लिमिट है. सो डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0. ये मैं स्पेसिफाई करती हूँ कि मेरा टाइम बहुत छोटा है, इसलिए मैं इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज कर रही हूँ. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय ओमेगा बार इक्वल्स टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0. इट विल बी सिंपली डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. यहाँ तक क्लियर है? यस मैम. ट्रायंगल वाला डेल्टा ले सकते हैं? क्या हुआ बेटा? ट्रायंगल वाला डेल्टा ले सकते हैं? ले सकते हो, नो इश्यू, यू कैन टेक बोथ. बोथ आर जस्ट सिंबल्स, नथिंग एल्स. बस आपको सिर्फ ये डालना है, ये बताना जरूरी है कि मैं जब इंस्टेंटेनियस बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए बात कर रहा हूँ. बोलो बोलो, कुछ पूछ रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ू? ये क्लियर हुआ सबको? यस. ठीक है. नाउ दिस कैन आल्सो बी रिटन एज ओमेगा बार इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डीटी. अब जरा बच्चों ये समझो, जो लोग 11 में नहीं थे वो भी समझो, और जो 11 में थे उनको भी कॉन्सेंट्रेट करना है. ये डी थीटा बाय डीटी क्या है बच्चा? पता है बच्चों, इट इज डेरिवेटिव. लाइक जो लोग पहले ज्वाइन कर चुके हैं उनको तो मैं काफी डिस्कशन कर चुकी हूँ इन चीजों पर, बट स्टिल वापस रिपीट करती हूँ. देखो बच्चों, आप जब फिजिक्स पढ़ते हो ना, फिजिक्स है क्या? फिजिक्स इज ऑल अबाउट आपके आजू बाजू जो फिनोमिनास होते हैं उनको हम Can you hear me now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Is it okay now? Yes, ma'am.
यस ओके ठीक है सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि बच्चों व्हेनेवर वी स्टडी फिजिक्स लाइक वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फिजिक्स व्हाट इज फिजिक्स फिजिक्स इज बेसिकली आपके आजू बाजू में एनवायरमेंट में जो भी चीज हो रही है उसको हम मैथमेटिकली और कुछ लैंग्वेजेस से उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं फॉर अ परफेक्ट फिजिसिस्ट लाइक जो फिजिक्स पढ़ते हैं या जो फिजिक्स डिराइव करते हैं या जो फिजिक्स का थ्योरीज लिखते हैं उनके लिए जैसे व्हेन आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू जब मैं आपसे बात कर रही हूँ आइदर आई एम यूजिंग इंग्लिश आइदर आई एम यूजिंग हिंदी वैसे ही फिजिक्स वाले लोगों के लिए उनका जो मेन लैंग्वेज होता है वो होता है मैथमेटिक्स हम मैथमेटिक्स को बेसिकली यूज करते हैं फॉर एक्सप्लेनिंग समथिंग ओके नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस सी ये जो डी थीटा बाई डी टी है ना बच्चों कैन यू सी दिस डी थीटा बाई डी टी दिस इज एक्चुअली योर डेरिवेटिव ये जैसे आपका मैथ्स में फंक्शन होता है ना लाइक आपको एड करना होता है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो फॉर एडिंग यू यूज विच फंक्शन दैट इज सिंपली प्लस है ना सब्ट्रैक्टिंग के लिए आप माइनस यूज माइनस फॉर डिवाइडिंग यू यूज दिस फॉर मल्टीप्लाइंग यू यूज दिस सो दिस आर फंक्शंस ये फंक्शंस है जो आप यूज करते हो अभी आपको थीटा कैलकुलेट करना है तो यू हैव डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन थीटा कॉस थीटा एंड सो ऑन वैसे ही जब आपको चेंज निकालना होता है व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट चेंज जब आपको किसी चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू किसी चीज में निकालना है वहां पर आप डेरिवेटिव यूज करते हो दैट इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव समझाती हूँ और थोड़ा सा डिटेल में जाती हूँ इस चीज को लेकर सी जो 11th में थे उनको शायद ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा बट आई एम कंसिडरिंग कि किसी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और मैं बहुत बेसिक से जा रही हूँ क्योंकि मुझे इन सब चीजों की बहुत जरूरत है आगे ध्यान से समझो मैं क्या बोल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल समझो ये आपका एक फील्ड है ये एक सिटी है ठीक है ये सिटी में ये अलग अलग ब्लॉक्स है अब हर ब्लॉक का टेम्परेचर अलग अलग है समझो यहाँ पर जो है 200-300 केल्विन है यहाँ पे 331 केल्विन है ऐसे अलग अलग टेम्परेचर्स है सब जगह सो जब आप फाइंड करते हो कि लाइक मैं जब इस ब्लॉक में आता हूँ तो इसके पोजीशन के रिस्पेक्ट में मेरा क्या टेम्परेचर है फिर आप इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में जाते हो तो जैसे ही आपने पोजीशन चेंज की टेम्परेचर का कुछ चेंजेस आ रहा है कितना चेंजेस आ रहा है सो डेरिवेटिव आपको क्या बताता है डेरिवेटिव आपको बताता है चेंज इन समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग मतलब जब मैं किसी चीज के रिस्पेक्ट में किसी चीज का चेंज ऑब्जर्व करती हूँ दैट गिव्स मी द डेरिवेटिव अगेन आई विल एक्सप्लेन यू अगर यहां से नहीं समझा तो समझो एक टीचर है और स्टूडेंट्स है ठीक है अब स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर होता है वो टीचर्स के हिसाब से चेंज होता है द चेंज इन स्टूडेंट्स बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू टीचर लाइक मैं हूं आई एम वेरी स्ट्रिक्ट यू नो तो मैं आपको कोई होमवर्क दूंगी तो आपके दिमाग पे एक प्रेशर होता है कि अरे मानसी में इसका लेक्चर है तो पढ़ के जाना है ये होमवर्क है सो लाइक आई एम देयर मानसी मिस इज देयर विजय सर इज देयर एमबीसी सर इज देयर सो विथ रिस्पेक्ट टू टीचर्स आपका बिहेवियर चेंज होता है या नहीं होता है बोलो हाय या ना सो चेंज इन द स्टूडेंट बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू टीचर इज अ डेरिवेटिव डेरिवेटिव आपको किसी भी चीज का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग बताता है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ क्लियर हो रहा है जो लोग 11th में नहीं थे जो नए आए हैं उनको समझा मैंने क्या कहा चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग जब आप चेंजेस को ऑब्जर्व करते हो किसी चीज को कंपेयर करके तो आप उसमें डेरिवेटिव्स का यूज करते हो क्लियर हुआ बीहू समझा यस मैम ओके जो 11th में बाकी लोग नहीं थे उनको समझा व्हाट आई एम सेइंग यस मैम चेंज इन बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू टीचर वैसे ही यहाँ पर ओमेगा क्या था चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम सो आई एम राइटिंग ओमेगा बार एज डी थीटा बाय डी टी ये जो डी बाय डी है ना
इसी को हम चेंज या डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं. सो हियर इट इज डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. समझे? यस. डी थीटा बाय डीटी का मतलब समझा सबको? यस मैम. स्मॉल चेंज होता है ना, क्या चेंज? चेंज, सिंपली चेंज. यू कैन ऑल्सो से दैट ऑफ कोर्स व्हेन यू गो अहेड विद डी थीटा बाय डीटी you can talk about small change also, but basically it is talking about the change. Okay ma'am. Yeah, samjha. So d theta by dt is simply representing your change in theta with respect to time. Everyone is clear with this? Yes ma'am. कोई भी ऐसा है जिसको नहीं समझा कि मैं से आप ये क्या बोल रहे हो, क्लियर नहीं हुआ? अब समझा, अगर आप कहीं पे भी डेरिवेटिव निकालते हो, मतलब आप किसी चीज का चेंज निकालते हो विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, किसी चीज को कंपेयर करके आप किसी चीज का चेंज निकालते हो. क्लियर हुआ? समझा सबको? यस. आगे बढ़ते हैं. सो वी गॉट ओमेगा एज डी थीटा बाय डीटी. चलो अब आगे जाते हैं. अगर मैं ओमेगा का यूनिट देखू, ऐसा यूनिट आई एम टॉकिंग अबाउट. So theta is simply measured in radians, right? Radian per second. Yes. So unit is radian per second. Second. And आपको पता है कि radian जो है, ये जो radian है, इसका कोई dimension नहीं होता. Yes. Radians don't have any dimensionless. Dimensionless. So आपका dimension of omega क्या हो जाएगा? What will be the dimension? T raised to minus one. Yes, it will be L0, M0, T raised to minus 1. एक ही टाइम है ना, सिर्फ ये टाइम है, सिर्फ टाइम का डायमेंशन एग्जिस्ट कर रहा है. सो टी रेस टू माइनस वन. रेडियन का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं. सो डायमेंशन ऑफ ओमेगा बिकम्स L0, M0, T raised to minus 1. इज एवरीवन क्लियर? यस. यस मैम. यस मैम. यस मैम. नाउ ये जो आपका ओमेगा होता है, it is simply a vector quantity. Angular velocity is a vector quantity. It have directions as well as magnitude. And the direction of angular velocity is also given by right hand thumb rule. Iska bhi direction right hand thumb rule se diya jata. So basically, jis direction mein angular displacement hota hai, उसी सेम डायरेक्शन में आपका एंगुलर वेलोसिटी भी होता है. यस मैम. जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी भी होगा. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ सर्कल, एंटी क्लॉकवाइज मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन थीटा का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ होगा अपवर्ड्स, और एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन ओमेगा का upwards. भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही होगा. समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. मैंने जो जो चीजें बोली है मैं सामने रख रही हूँ ओपन करके, कोई भी चीज ऐसी है जो नहीं समझी तो पूछ. ओमेगा इज थीटा बाय टी, इंस्टेंटेनियस लिखा हमने, लिमिट डिफाइन किया कि हम बहुत छोटे टी के बारे में बात कर रहे हैं. डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी. d theta by dt means we are talking about derivative. Derivative change के बारे में बताता है with respect to something. So यहाँ पर change in theta with respect to time देख रहे हैं. फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसका जो unit होता है, theta is measured in radian, time is measured in second. So unit is radian per second. But जब dimension निकालते हैं, radian का कोई dimension नहीं होता, second का dimension को t से लिखा जाता है. t नीचे है तो ऊपर गया तो t raised to minus one. So L0 M0 t raised to minus one. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. राइट हैंड थंब रूल का ही यूज किया जाता है डायरेक्शन के लिए. जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी भी होता है. इज इट क्लियर? यस मैम. यस मैम. लेट्स मूव अहेड विद एंगुलर एक्सेलरेशन. ऑफ कोर्स लीनियर में क्या था, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? जब चेंज इन वेलोसिटी चेंज होती है टाइम. यस, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. जब भी स्पीड या वेलोसिटी चेंज होती है, यस बेसिकली मेरा वेलोसिटी बोलना बहुत सही करेक्ट होगा. जब भी वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम बोलते हैं एक्सेलरेशन हो रहा है. ठीक है, वैसे ही यहां पर भी
योर एंगुलर एक्सेलरेशन, जब कोई भी चीज स्पीड अप गोल गोल घूमते वक्त सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते वक्त जब किसी भी चीज का स्पीड बढ़ता है या कम होता है, हम कहते हैं कि वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है. क्लियर हुआ? अगेन आई एम रिपीटिंग, जब कोई चीज गोल गोल घूम रही है उसका स्पीड बढ़ता है या कम होता है तो हम कहते हैं वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है. ठीक है? नाउ हाउ कैन यू डिफाइन द एंगुलर एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा. एंगुलर वेलोसिटी वाज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा. एंगुलर एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा. सो अल्फा इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम. सो अल्फा कैन बी रिटन एज इंस्टेंटेनियस अल्फा. इफ आई टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस अल्फा, दैट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. क्या करेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा बार इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो. So it is delta omega bar by delta t, or it can also be written as d omega by d omega by dt. ये सबको क्लियर हुआ? Yes ma'am. Yes ma'am. इसका SI unit will be, what will be the SI unit? Tell me. Velocity का क्या था? Angular velocity का क्या था? Radian per second square. So omega is radian per second. और नीचे भी एक second है. So it becomes radian per second square. सबको clear हुआ? Yes. Apart from this 3-4 students, बाकी लोग नींद में हो? Answer करो, समझ में आ रहा है? Yes ma'am. So dimension t minus 2. T raised to minus 2. T raised to minus 2. Yes. So it is L0 M0 t raised to minus 2. Minus 2. एंड इसका डायरेक्शन भी बेसिकली राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से निकाला जाता है. मतलब जितनी भी एंगुलर चीजें हैं सबका डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज किया जाता है. बट लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग. डायरेक्शन तो एंगुलर एक्सेलरेशन का राइट हैंड थंब रूल से निकाला जाता है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम हियर. क्या प्रॉब्लम है वो समझो. अगर समझो अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू स्विच्ड ऑन योर फैन, आपने फैन स्विच ऑन किया, स्टार्टिंग में क्या होगा? उसका स्पीड बढ़ता जाएगा? बढ़ता जाएगा, yes. जब स्पीड बढ़ता जाता है तब जिस डायरेक्शन में आपका ओमेगा होता है उसी डायरेक्शन में आपका अल्फा भी होता है. मतलब अगर स्पीड बढ़ रहा है तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होता है. ये नॉर्मल है, बेसिक है, ये कोई नई चीज नहीं हो रही. सिंपल सा पंडा है. देखो ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, ये बुक चल रही है, इट इज मूविंग. ये समझो एक गाड़ी है, लेट्स से बाइक है, ये मूव हो रहा है. मुझे चाहिए कि इसकी स्पीड बढ़ जाए. तो अगर मुझे इसकी स्पीड बढ़ानी है ना तो मैं इसका जो एक्सेलरेशन करती हूँ ना, जो इसका चेंज इन स्पीड करती हूँ ना, वो उसी डायरेक्शन में करती हूँ जिस डायरेक्शन में मेरी गाड़ी चल रही होती है. बट वहीं पे अगर मुझे मेरी गाड़ी रोकनी है, आई वांट टू स्टॉप द बाइक, तो मैं क्या करती हूँ, ब्रेक लगाते. देखो ब्रेक हम कैसे लगाते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं हम ब्रेक जब हमको स्पीड कम करना होता है. अगर आपने स्कूटी वगैरह चलाई होगी तो आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि आप है ना ब्रेक अपनी तरफ खींचते हो. मतलब अगर बाइक ऐसी जा रही है तो आपका ब्रेक है ना बाइक का जो एक्सेलरेशन करेगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करेगा. मतलब अगर आपको स्पीड बढ़ानी है एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में करना होता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है. और अगर आपको स्पीड कम करनी है तो आपको एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में करना होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो अगर स्पीड बढ़ रही है तो ओमेगा और अल्फा दोनों का स्पीड एक ही डायरेक्शन में होगा. बट अगर स्पीड कम हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आपने फैन स्विच ऑफ कर दिया, तो अगर ओमेगा ऊपर है तो अल्फा नीचे की तरफ होगा. ये बताएगा कि स्पीड कम होती जा रही है. क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? यस. तो अगर आपको किसी ने बोला कि मुझे स्पीड बढ़ानी है तो सिंपली बोलेगा एक्सेलरेशन स्पीड के डायरेक्शन में लगाओ. अगर किसी ने आपको बोला स्पीड कम करनी है तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में करो. डायरेक्शन समझ में आया सबको? ये क्लियर हुआ मैम?
मैम बोलो, इसको राइट हैंड थंब रूल से नहीं आएगा ना, तो कंडीशंस पे आएगा ना, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। यस यस यस, टिपिकली राइट हैंड थंब रूल नहीं होगा, बट वो कंडीशन भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब लाइक देखो अभी यहाँ पर है, सो ओमेगा ऊपर की तरफ है, अल्फा भी ऊपर की तरफ है, वो राइट हैंड थंब रूल एक्सप्लेन कर पा रहा है, ठीक है। बट व्हेन स्पीड इज डिक्रीजिंग वहां पर, फिर राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से उसको ऊपर आना चाहिए था। बट हमको भी ये फिनोमिना पता है कि अगर स्पीड कम होती जा रही है तो ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तो वहां पर हमको ये कांसेप्ट यूज करना पड़ेगा। उसी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में किसी चीज का कॉन्स्टेंट होना थोड़ा सा डिस्कशन वाला पार्ट है, तो उसपे मैं आगे की तरफ डिस्कस करूंगी अभी नहीं, ठीक है। यस मैम, यस मैम, ओके, सो यू आर क्लियर टिल दिस मच, आगे बढ़ू। यस मैम, तब हम बेसिक्स के साथ जा रहे हैं। अभी आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू टू द चैप्टर, हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में चुके हैं चैप्टर के, ठीक है। सो यू आर क्लियर विथ थीटा, यू आर क्लियर विथ ओमेगा, यू आर क्लियर विथ अल्फा, ये तीन चीजें हमको क्लियर हो गई है कि इनका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं और इनका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। ऑफ कोर्स अल्फा इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी फॉर श्योर, ठीक है। आगे बढ़ू, लेट्स मूव अहेड विद अ न्यू टॉपिक फॉर टुडे। बोलो बोलो, अगर अल्फा अगर परपेंडिकुलर नहीं रहेगा वो लाइन पे, मतलब ओमेगा से पैरेलल, मतलब पैरेलल नहीं रहेगा, दूसरे डायरेक्शन में रहेगा, तो क्या करने का? कुछ नहीं करने का, रिजोल्व करके अल्फा का जो डायरेक्शन ओमेगा को सपोर्ट कर रहा है वो सपोर्ट करेगा, बाकी का जो है वो रिजोल्व हो जाएगा, दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, दैट्स ऑल। फॉर एग्जांपल देखो, तुम्हारा ओमेगा ऐसा चल रहा है, ठीक है, तुमने जो फोर्स लगाया उससे जो अल्फा क्रिएट हुआ वो ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक होगा ये वाला और एक होगा ये वाला, तो इस अल्फा का कुछ ही पार्ट इसको कंट्रीब्यूट करेगा। यस, दैट इज लाइक अगर तुम इसको थीटा बोलते हो, इफ यू से दिस अल्फा साइन थीटा, कॉस थीटा, अल्फा साइन थीटा एंड अल्फा कॉस थीटा के हिसाब से चला जाएगा, सो डिपेंड्स अपॉन, समझा। सो अगर किसी एक एंगल पे अल्फा लग रहा है तो अकॉर्डिंगली आपका ओमेगा का डायरेक्शन, वो दूसरा वाला कंपोनेंट क्या करेगा? दूसरा वाला कंपोनेंट किसी ना किसी फोर्स को बैलेंस करेगा या फिर रिजल्टिंग फोर्स उस डायरेक्शन में, वो ऐसा दिया था कि वो प्लेन ऑफ प्लेन रोटेट कर डालेगा। हाँ करेक्ट है, लाइक देखो तुमने ये अल्फा जो तुमने लगाया है एक्चुअली में तुमने फोर्स लगाया है, फोर्स से अल्फा क्रिएट हो रहा है, राइट। सो एक पार्ट ऑफ द अल्फा, ये वाला जो कंपोनेंट है ये ओमेगा को सपोर्ट करेगा, और ये वाला जो अल्फा है ये कुछ और नेट फोर्स रिजल्ट करके आपके मोशन को थोड़ा सा चेंज करता है, क्योंकि फोर्स का काम के लिए आपके मोशन को वो गाइड करता है, करेक्ट, कि कैसे चलना है मोशन। फोर्स लगाते हो आप अपने मोशन को गाइड करते हो, फॉर एग्जांपल ये बुक है, मैंने इसको फोर्स लगाया सामने से कि ये बुक ऊपर से ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, तो मेरा फोर्स रहा है इसके मोशन को रिजल्ट कर रहा है, तो आप जो भी फोर्स लगाते हो वो मोशन को रिजल्ट करता है, समझो। मैंने फोर्स किसी एक एंगल में लगाया तो उसका कुछ कंपोनेंट ऊपर की तरफ हेल्प करेगा और कुछ कंपोनेंट सामने की तरफ हेल्प करेगा, ऊपर की तरफ वाला ओमेगा को हेल्प करेगा और सामने की तरफ वाला कुछ और रिजल्ट करेगा, समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, यहाँ तक सबको बेसिकली क्लियर हुआ है, तो आगे बढ़ू। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग अहेड विद रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी हम लोग नॉर्मली पढ़ते आए हैं बचपन से, v, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, जो अभी हमने एंगल वाली वेलोसिटी पढ़ी वो, इन दोनों के बीच का रिलेशन। सो लेट्स ट्राई टू डिराइव इट, देयर इज अ सर्कल हियर, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आई एम कंसिडरिंग इट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मुझे पता है राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मेरा जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो ये होगा, दिस इज माय लीनियर वेलोसिटी, और ये मेरा ओरिजिन है। अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो मेरा ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है,
बाहर की तरफ. सी लीनियर वेलोसिटी इज दिस वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी. अगर आप इसको मैम ये वी है आपको कैसे समझा, अगर आप इसके छोटे से पार्ट को देखो तो इट इज लीनियर मोशन राइट. सो लीनियर मोशन में फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस लेट्स टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. ये चीज समझने के लिए कि क्यों मैंने इस वाले इस टेंजेंट को मैंने लीनियर वेलोसिटी बोला जरा समझो कहां एक्सपीरियंस किया है. लेट अस कंसीडर अ थ्रेड जिसको तुमने एक स्टोन टाई किया है ठीक है, और वो ऐसे तुम गोल गोल घुमा रहे हो. या लेट्स नॉट कंसीडर दिस, लेट्स कंसीडर प्लैनेट. ये सन है, ये प्लैनेट है ठीक है. ये प्लैनेट ऐसा 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 सा गोल गोल घूम रहा है. समझो ये बॉन्डिंग नहीं होती. अगर ये जो सन ने इसको अट्रैक्ट करके रखा है गोल गोल घूमने के लिए, अगर वो नहीं होता तो क्या होता पता है? ये आपका प्लैनेट यहाँ से ऐसा चला और ये ऐसा सीधा सीधा बाहर की तरफ निकल जाता. मतलब एक्चुअली में देयर इज अ वेलोसिटी हियर, बट ये अट्रैक्शन की वजह से बार बार वो क्या हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है. Yes. अगर यहाँ पर ये एक्शन कम हो सीधा, मतलब देयर इज सम लीनियर वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट. कुछ समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रही हूँ? आप इसको रोटेट कर रहे हो, कभी देखो आपके हाथ से कभी ये थ्रेड, समझो मम्मी बोलती है ऐसा गोल गोल घुमा मत लग जाएगा, क्या होता है जैसे ही अगर ये थ्रेड आपके हाथ से छूट गया तो वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो सीधा सीधा कहीं बाहर की तरफ जाके गिर जाता है. मतलब एक्चुअली में इस ऑब्जेक्ट को कैसे जाना है, सीधा सीधा जाना है, बट देर इज वन फोर्स फ्रॉम द सेंटर जो इसको क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, सर्कल में रखने की कोशिश. तो समझा मैंने क्या क्यों ये सीधा सीधा बाहर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि जो चीज उसको पकड़ कर सर्कल में घुमा रही है वही खत्म हो गई, तो सीधा 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 बाहर निकल जाता है. सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जो 11 में नहीं था उनको क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? ओके, सो बेसिकली देर इज अ लीनियर मोशन, बट ये जो सेंटर का अट्रैक्शन है वो उसको सर्कल में रखने में मदद कर रहा है. So this is your linear velocity, this is your velocity. इनके बीच को रिलेशन निकालना है. जरा देखो ध्यान से. मैंने पढ़ा था डेल्टा एस बार इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बार क्रॉस आर बार. ये पढ़ा था? ये पढ़ा था? Let's take derivative. स्क्रीन फ्रीज हो गया. स्क्रीन फ्रीज हो गया. ठीक है कोई बात नहीं. अब मेरा स्क्रीन दिख रहा है? चेंज हुआ स्क्रीन? अभी भी चेंज नहीं हुआ. ब्लर है. ब्लर है. अब ठीक है? यस. ठीक है. पूरा प्लेन है. ठीक है. चलो लिखते हैं. हमने देखा था एस इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बार क्रॉस आर बार. ये ठीक है? यस मैम. टेकिंग डेरिवेटिव. बुक में आपके डिवाइड बोला है बट आई एम टेकिंग डेरिवेटिव. मींस ऐसा क्यों लिया है सर डेल्टा इस बार? नहीं समझा. हम लोग छोटे डेल्टा के लिए देख रहे हैं इसलिए लिया है, नथिंग एल्स. छोटा छोटा चेंजेस ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं. टेकिंग डेरिवेटिव. अब समझो टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा. मैम आवाज नहीं आ रहा है. ध्यान से समझो. ब्रेक हो रहा है. आवाज नहीं आ रही है. स्क्रीन भी ब्रेक हो रहा है. यस मैम. स्क्रीन भी ब्लैक है. एक मिनट रुको. मैम नेटवर्क बैंडविड्थ लो है. रीजन हेलो. यस मैम. यस मैम दिख रहा है. वॉइस क्लियर है? यस यस. डेल्टा एस बार इज इक्वल्स टू
डेल्टा एस बार इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बार क्रॉस आर बार, ये क्लियर हुआ? डेल्टा yes. क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग छोटा छोटा चेंजेस के साथ काम कर रहे हैं, नथिंग एल्स. सो टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा थीटा डेल्टा टी के अक्रॉस हम लोग डेरिवेटिव देखने वाले हैं, ठीक है? अब देखो, अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेम्बर, कि जब भी आप कोई मल्टीप्लाइंग वाली चीज पे आप डेरिवेटिव लगाते हो तो क्या होता है, पहले क्या करोगे, फर्स्ट व्हाट यू डू, पहले वाले पे डेरिवेटिव निकालोगे, दूसरे वाले को बाहर रखोगे, फिर दूसरे वाले पे डेरिवेटिव लगाओगे, पहले वाले पे बाहर रखोगे, मल्टीप्लिकेशन. यस यस. ठीक है, ये एक तरीका है समझने का. अगर ये नहीं समझता है तो लेट्स मूव अहेड विथ द बेसिक वन. डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी. यस, डेल्टा टी से डिवाइड कर रहे हैं. लेट्स नॉट गो अहेड विद दिस, ये समझने के लिए थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा. जाने दो. डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी, ये हो जाएगा डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, और ये हो जाएगा डेल्टा थीटा बार डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय आर बार. यस यस, ये सबको समझ रहे हो? यस यस मैम. लिमिट अप्लाई करते हो? यस मैम. छोटे इंस्टेंट के लिए काम कर रहे हो ना? लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस बार बाय डेल्टा टी, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा थीटा बार बाय डेल्टा टी क्रॉस आर बार. हमको पता है दिस मीन्स व्हाट? या अगर मैं डी के फॉर्म में लिखूं तो इट इज डी एस बाय डी टी. यस बाय डी टी. यस बाय डी टी इक्वल्स टू डी थीटा बार बाय डी टी क्रॉस आर बार. यहां तक सबको क्लियर हुआ? यस यस. डी एस बाय डी टी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आर. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा into r r. So v equals to r omega. ये सबको क्लियर हुआ? यस यस यस. हमको क्लियर हुआ क्या किया है? यस. कोई ऐसा है जिसको ये कांसेप्ट क्लियर नहीं है तो पूछ लो. क्या किया, सब कुछ क्लियर हुआ? यस मैम. यस यस मैम. ठीक है, और हमें पता है कि ओमेगा जो होता है, like if you talk about one revolution, अगर आप एक revolution की पूरी बात करते हो तो एक revolution में omega is what, theta by t. So एक yes. revolution में कितना angle cover होता है? 2 pi by t. Yes. मैं 2 pi by t डाल दूं, so v is equals to r into 2 pi by t. ठीक है. So और ये वन एन इज इक्वल टू वन बाई टी. वन बाई टी हमने बेसिक स्टैंडर्ड में देखा. यस. सो वी इक्वल टू पाई आर एन. पाई आर एन. टू पाई आर एन. ये सबको क्लियर हुआ? यस यस. जूलिया समझा था? कोई ऐसा है जिसको नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, ध्यान से देखो, अगर कुछ नहीं समझा हो तो पूछो. बोलो बोलो बोलो. बेटा ये बेसिकली ऐसा होता है, लाइक दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज टाइम. आपका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इक्वल्स टू वन बाई टी होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. जितना टाइम होगा फ्रीक्वेंसी कम होगी. सो एन इज इक्वल टू ये बेसिक एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, सो यहाँ से 1 बाई टी को हमने आंसर रिप्लेस कर दिया. ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? मैम ये नोटेशन फिक्स है? हाँ, नोटेशन फिक्स है. नोटेशन चेंज नहीं करेगा वो, डोंट वरी. ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं उसको कभी कभी. अल्फा इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. बेसिकली ये फिक्स्ड होता है, कोई इनको चेंज करने नहीं जाता. ठीक है, यहाँ से डेरिवेशन बोलो. थीटा जो है एंगुलर वेलोसिटी में, हाँ,
अगर चेंज होता रहे कांस्टेंट ना रहे तो कैसे निकालेंगे? डिफरेंस के लिए जाएगा, मैंने बोला ना एसर पार हाले के लिए, फिर बोलते हैं ना छोटा छोटा टाउ, समझा मैंने क्या कहा? मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है, मैम या वॉइस ही ब्रेक। ओके अगेन से, कैन यू हियर मी नाउ? हेलो, आवाज आ रही है? तो अभी किसी ने मुझे पूछा कि मैम थीटा अगर हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है तो क्या कर ले, इसीलिए तो हम लोग ये वाला यू ये वाला कंसेप्ट भी पढ़ते हैं ना। देखो ये दिख रहा है सबको जिसपे मैं फिंगर शो कर रही हूँ, ये पार्ट दिख रहा है? ये क्या बोलता है कि हम बहुत छोटे छोटे टाइम के साथ चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये इसीलिए ये इंस्टेंटेनियस का कंसेप्ट आया है। क्यों? इसी रीजन से आया कि जब हम देख रहे हैं कि हर इंस्टेंट पे हर टाइम इंटरवल पे मेरा थीटा चेंज हो रहा है तो वहां पर हम इंस्टेंटेनियस कंसेप्ट के साथ जाएंगे, मतलब हर एक छोटे छोटे टाइम इंटरवल के लिए हम थीटा ऑब्जर्व करके फाइंड आउट करेंगे। ओके मैम, क्लियर हुआ? यस मैम, अगर थीटा चेंज हो रहा है yes. डायरेक्शन कैसे निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल का? सिंपली लाइक थीटा चेंज हो रहा है, किसका डायरेक्शन निकालना है आपको? थीटा का? यस मैम, एंगुलर वेलोसिटी का। किसका डायरेक्शन निकालना है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का तो सिंपल सा फंडा है, जिस डायरेक्शन में थीटा है उस डायरेक्शन की वेलोसिटी पे होगा। तो अगर आपका अभी मैंने बताया ना एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, ये मोशन पर डायरेक्शन है, तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में है? ऊपर तरफ। सो एंगुलर वेलोसिटी भी उसी मेथड से फाइंड आउट किया जाएगा, वो भी किस डायरेक्शन में होगा? ऊपर की तरफ। समझ में आया? यस मैम। जिस डायरेक्शन में आपका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, उसी डायरेक्शन में आपका एंगुलर वेलोसिटी भी होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही एंगुलर वेलोसिटी होता है, और दोनों के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में आपके चार फिंगर को राइट हैंड के चार फिंगर को कर्ल करना है, और आपके आउटस्ट्रेच थंब के डायरेक्शन से आपको एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकालना है। समझे सब लोग? क्लियर हुआ? Yes. Yes, ma'am. So, आज मैंने जितना भी पढ़ाया है, थोड़ा सा एक और बेसिक पार्ट बाकी है, वो मैं कल पढ़ाऊंगी, कल नहीं मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। आप लोग इतना करके आना, इसके बेसिस पे हम कुछ